स्वागत है आप सभी का आईटीआई सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे थे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सीबीटी क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज के जो मॉड्यूल है वो है छठा मॉड्यूल है। पांच मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, टोटल आठ मॉड्यूल होने वाले हैं जो कि सात वीडियोज बनेंगे और टोटल क्वेश्चन जो है 202 होंगे। चैप्टर वाइज मॉड्यूल चल रहा है, तो इससे पहला मॉड्यूल हो चुका है इंग्लिश लिटरेसी का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दूसरा मॉड्यूल है आईटी का यानी कंप्यूटर का, वो भी मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका भी मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन इसका लिंक मिल जाएगा। चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, इसका भी मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पांचवा है प्रोडक्टिविटी, ये भी मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, इसको जाके देख लीजिए। पांचों मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, छठा जो मॉड्यूल है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जिसमें 18 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने पिछला पांचों नहीं देखा ना तो एग्जाम में नंबर कम आ सकते, तो इसकी गारंटी मेरी नहीं है। तो इसलिए सभी को कंप्लीट करके देखिए और सभी देखिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जिसमें भी डाउट होता है नीचे कमेंट करके बोलिए, क्वेश्चन नंबर इसमें इस मॉड्यूल में दिक्कत है, नीचे कमेंट करके बताइए जल्दी, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी 18 क्वेश्चन होंगे आज, आज बड़ा क्लास नहीं होगा, छोटा सा होगा, जिसमें हम कंप्लीट करेगा। और जो ऑप्शन आप नीचे कमेंट करेगा कि क्वेश्चन नंबर 1, तो 1A, 1B, 2A, 2B, 2C इस तरह से कमेंट करेगा, ठीक है। तो छठा ऑप्शनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का क्लास देखते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आ जाएंगे इस पे, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पे जाना था। तो हमारा जो आज की क्लास है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। तो सबसे पहले याद रखिए, कहीं पर भी रहिए, घर पर रहिए, ऑफिस में रहिए, क्लास में रहिए या कहीं कंपनी में काम करिए, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, वो है सेफ्टी। आपको भले कितनी भी अर्जेंट हो, पहला सेफ्टी देखिए। बाइक चलाते समय जाइए, कार में जाइए या कहीं पर भी रहिए, वहां पर एक सेफ्टी सबसे पहले ध्यान रखिए। सेफ्टी बहुत ही जरूरी है, अगर आप सेफ्टी नहीं अपनाते हैं तो आपका कल नहीं देख पाइएगा, इसलिए सेफ्टी अर्जेंट है। तो देखिए सेफ्टी, और कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं या कहीं पर काम कर रहे हैं, तो आप इस तरह से आपका वेशभूषा बना के रखिएगा। हेलमेट जरूरी है, इसमें आपको लगाना है, आंख में चश्मा लगाना जरूरी है, फिर बॉडी पर आपको इस तरह से ड्रेस होना चाहिए। आप अगर कहीं टंगने जा रहे हैं तो इस तरह से आपको हुक लगाना है, ग्लव्स लगाना जरूरी है, आपको बूट मजबूत बूट लगाना है, हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए, सारी चीजें आपको अच्छे से फिट होनी चाहिए, ठीक है। और नहीं हाथ में कड़ा होना चाहिए, नहीं इयर रिंग होना चाहिए, ये स्टाइलिश वाला आप जब भी इस तरह काम करने जाएगा तो इसे ये सब नहीं लगा के जाएगा, ना कड़ा लगाना है, नहीं इयर रिंग्स लगाना है, बहुत सी चीजें हैं जो आपको इससे दूर रहना है। या आपको सेफ्टी रखते एकदम से ध्यान सिर्फ सेफ्टी पे होना चाहिए काम करते वक्त। देखिए दुर्घटनाएं घटती कैसे, ये जब हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं चश्मा है, नहीं हाथ हाथ देखिए ना मशीन पर ऐसे रखना है, सब आपको ध्यान से दूरी बना के रखना मशीन से। ये देखिए यूज करते समय इस तरह से फंस जाएगा, तो ये भी जूते का ऐसा सूलेस जूता पहनिए, और हो सके तो छोटा से छोटा सूलेस होना चाहिए। और देखिए इस तरह से अगर कहीं फर्श पर कांटी है या नीचे भी ध्यान से देखे चलिए, आगे गड्ढा हो सकता है, या लाइट प्रॉपर लाइट में होना चाहिए, कहीं भी काम कर तो प्रॉपर लाइटिंग भी होना चाहिए। किसी से सामान को ले जा रहे हैं ला रहे हैं तो उसका लाने ले जाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, नहीं तो देखिए पैर में मोच आ सकता है, पीठ में मोच आ सकता है, शरीर में कुछ इंजरीज हो सकती है, इसका ध्यान रखना है। और ये देखिए एक चीज है जो आपको बीमारी से भी बचना है, मान लीजिए ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ते हैं, सांस फूलने की दिक्कत हो सकता है, वहां से गिर सकते हैं, तो ये सब भी ध्यान में रखना है आपको। तो सेफ्टी बहुत ही जरूरी है, जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा वह एक दिन दुनिया भी छोड़ेगा, ये भी सेफ्टी जरूर याद रखेगा। खुद की लाइफ को अगर है बढ़ाना तो हमेशा सुरक्षा नियमों को अपनाना। चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं, एबीसी है, देखते हैं एबीसी है क्या। तो सबसे पहले आपको बताते हैं फर्स्ट एड के बारे में। अगर आपको कोई भी व्यक्ति कहीं आपको इंजरीज हालत मिलता है, जैसे ये व्यक्ति मिल रहा है, या कहीं पर भी कोई दुर्घटना घटी है तो वहां पर अगर आपको कोई आदमी मिलता है तो वहां पर आप कैमरा लेकर फोटो खींचे मत जाइएगा, उनकी हेल्प करिए, तो उनको फर्स्ट एड दीजिए। तो फर्स्ट एड क्या होता है, तो फर्स्ट एड का एक मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उसको देख के फर्स्ट एड की जानकारी ले लीजिए। आपको एग्जाम में और आपके प्रॉपर लाइफ में भी फर्स्ट एड की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट एड जान लीजिएगा क्या है, और यहां देखते हैं एबीसी और फर्स्ट एड स्टैंड फॉर। फर्स्ट एड में एबीसी क्या होता है, तो क्या होता है देख लेते, देखिए एयरवेज ब्लीडिंग एंड सर्कुलेशन, एयरवेज ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, एयरवेज ब्लीडिंग एंड कंप्रेशन, एयरवेज ब्रीदिंग एंड कंप्रेशन। तो इन चार
चारों में से क्या होगा? इसमें से जो बी है एयरवेज ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ये जरूरी है। इसके बारे में और देखते हैं, इसका एक एक भी और भी पूछा जाता है डॉक्टर एबीसी, ये तो एबीसी है, तो डॉक्टर एबीसी क्या है? प्राइमरी सर्जरी, सर्जरी होने के पहले ध्यान में दिया जाता है, या कोई भी पहले अगर इंजरी होता है और किसी प्रकार का, मान लीजिए रोड पे चल रहा है, किसी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या उपचार करना चाहिए? तो हमारा हम अगर डॉक्टर नहीं भी है तो हमें डॉक्टर एबीसी के नियमों को जरूरी है जानना। पहले हम देखें, मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड के उस किनारे पर है, आप जहां खड़े हैं वहां से देख रहे हैं कि वो व्यक्ति को चोट लगी हुई है, वो गिर गया है, ठीक है, तो उसको अब बचाना होगा, उसको पहले फर्स्ट एड देना होगा। तो उसके लिए पहले हम ये देखना होगा, हम भी तो डेंजर में नहीं होंगे जा रहे हैं, या वो तो ज्यादा डेंजर में तो नहीं है। और ये भी देखें रिस्पांस, देखें जाएंगे उसके पास तो क्या वो रिस्पांस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कुछ बताने के हालत में है कि नहीं है, कि एकदम बेहोश पड़ा है, ऐसा तो नहीं एकदम बेहोश पड़ा है, ये भी देखेंगे उसको। एयरवेज, उसका नाक देखेंगे कि क्या वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। फिर देखें ब्रीदिंग, क्या वो सांस ले पा, उसका नाक तो पहले देखेंगे, ये एयरवेज क्या है कि उसको नाक देखें कि क्या नाक सही है कि नहीं, या उसे गला में होता है, गला टेढ़ा हो जाता है, चोट वोट लगता है, तो क्या हवा पास कर रहा है कि नहीं गले में, तो उसे गले और सर को थोड़ा सा, गला को थोड़ा सा सीधा करना होगा, ठीक है, तब उसका एयरवेज ठीक हो जाएगा। ब्रीदिंग देंगे, सांस ले रहा है कि नहीं तो उसको चेक करेंगे, और ये सब चेक करते हुए फिर हम देखेंगे लास्ट में सर्कुलेशन, कहीं ब्लड वलड तो नहीं तो गिर रहा है, कहीं ज्यादा कटा छटा तो नहीं, ज्यादा ब्लड तो नहीं गिर रहा, तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए फर्स्ट एड की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट एड का हम वीडियो दे दिए हैं, उसको देखकर फर्स्ट एड की जानकारी जरूर लीजिएगा, सभी को जानना जरूरी है, आपको आपके फैमिली मेंबर को किसी भी को भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है फर्स्ट एड की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एट व्हाट डेसिबल साउंड हैजर्स नॉइज पॉल्यूशन, तो नॉइज पॉल्यूशन देखिए एक और देखिए, एबव 30 होता है, एबव 40, एबव 100, एबव 120, ये जो एबव 80 होता है इससे हमारे नॉइज पॉल्यूशन को दिक्कत होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ देखिए ये एक डीबी जो है, यहाँ डीबी देखेंगे, ये डीबी होता है साउंड, साउंड को मेजर किया जाता है, जैसे कि आप कोई दूध लेने आते हैं तो लीटर मिलीलीटर में नापते हैं, तेल लेते हैं तो मिलीलीटर में, चावल गेहूं लेने आते हैं तो किलोग्राम ग्राम में लेते हैं, तो ये सारी चीजें नापते हैं ना, यूनिट होता है, जैसे कोई कुछ तार और खरीदने आता है तो मीटर में लेते हैं, इस तरह से ये होता है नॉइस, नॉइस पॉल्यूशन को नापने का भी एक डीबी एक यूनिट है। तो देखिए जब साउंड पॉल्यूशन होता है 80 से लेके 100 तक हैजर्डस नॉइज पोल्यूशन होता है, फिर हाईली होता है 110 से लेके 140 तक का, और यहाँ पे नॉर्मल होता है, टिपिकल होता है ज्यादा नॉइज लेवल का 0 से 30 dB तक का, फिर इरिटेटिंग होने लगता है 50 से 70 तक का होता है साउंड, तो वो एक इरिटेट करने लगता है, जैसे कि आपको घर में बड़ा सा कूलर है वो आवाज करने लगा अचानक से, वो होता है अनोइंग इरिटेटिंग स्पीच, या आप कहीं भाषण में जा रहे हैं बीच माइक खराब हो जाता है, तो वो सब अनोइंग हो जाता है। टिपिकल नॉइज जैसे कि ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं होता है उस, वो टिपिकल नॉइज साउंड होता है, तो वो भी पूछा जाएगा। तो टिपिकल क्या है, तो 0 से 40 के बीच में जो होगा, यानी मैक्सिमम 40 जो होगा या मिनिमम 0 से, वो टिपिकल नॉइज हो जाएगा, अनोइंग हो जाएगा आपका 50 से 70 तक का। तो यहाँ पूछा जा रहा है नॉइज पॉल्यूशन, तो हेजेडस कितना है 80 तक का है, देखें 80 से 100 तक का, एबव 80 है, ठीक है, 80 से ऊपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक इज मेजर विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल, अर्थक्वेक मतलब भूकंप होता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे भूकंप है, दरार पड़ जाना या गिर जा रहा है, भूकंप आने से क्या क्या क्षति हो सकता है ये दिखाया जा रहा है इसमें, तो भूकंप को किस इंस्ट्रूमेंट को कौन से यंत्र से मेजर करते हैं, तो टेलीग्राफ है या सेस्मोग्राफ है और ऑस्किलोग्राफ है या बारग्राफ है, इसको कैसे ना मेजर करते हैं अर्थक्वेक को, कि अर्थक्वेक को कैसे मापेंगे कितना अर्थक्वेक आया है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेस्मोग्राफ, ग्राफ एक तरह का बनाया जाता है, जैसे देख सकते हैं एक यंत्र होता है, जैसा भूकंप आता है वो ग्राफ पे बनाने लगता है, इस तरह से बनाता है, जैसा जैसा होगा ये बताने लगता है। इसको देखिए इसमें कई सारे इसमें दिखाई दे देंगे आपको, एक सेकेंड, ये देख सकते हैं ये पेन है,
ये पिन लिखते जाएगा, इसका पेंडुलम बॉब है, रेडिएशन ड्रम है, ये घूमते रहता है, व्हील की तरह घूमते रहता है, ये चार्ट पेपर है, ये व्हाइट वाला दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये चार्ट पेपर है, ये सपोर्ट मिला हुआ है, और ये इस तरह से देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो दिख रहा है इस तरह से चार्ट पे दिखाई देगा आपको, जैसे कि आप कहीं आपको हर्ट का नापा था ना, हर्ट का, तो वहां पे दिखाई देता है, ऊपर नीचे जाता है, सीधा हो गया तो आदमी मर गया, ऐसा दिखाई देता है। उसी तरह का ये भी अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सेस्मोग्राफ का यूज किया जाता है, जो कि इस तरह का यंत्र होता है। फोर्थ नंबर देखिए, हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू, हेड प्रोटेक्शन मतलब सर पर अगर चोट लगता है तो उससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेलमेट, गोगल्स, ग्लव्स या मास्क। देखिए मास्क की क्यों यूज किया जाता है, जो आज सभी को पता है, मास्क यूज किया जाता है या आप प्रदूषण से या नाक में या माउथ में कुछ कुछ अंदर ना जाए शरीर के अंदर, तो उसके लिए मास्क लाते हैं, नाक और मुंह के द्वारा ना जाए। और ग्लव्स हाथ में यूज करते ताकि हाथ में या बिजली से बचने के लिए या हाथ में कुछ गंदगी ना फैले, इसके लिए हम ग्लव्स यूज करते हैं। गूगल्स हम आंख को बचाने के लिए यूज करते हैं ताकि हमें आंख को ठीक ठाक रहे, या वेल्डिंग करते समय, या धूपा में निकलते समय, या ज्यादा कंप्यूटर यूज करते समय, या इसके समय हम गूगल्स यूज करते हैं। हेलमेट हमें सर को प्रोटेक्शन करने के लिए यूज करते हैं, और बाइक चलाते भी, या आप किसी भी कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं या वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, कहीं से भी अगर कुछ गिरता है तो आपका सर को बचा सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको हेलमेट पहनना होगा सर में, और आंख में गॉगल्स पहनने होंगे, हाथ में ग्लव्स पहनने होंगे, पैरों में बूट्स पहनने होंगे, शूज पहनने होंगे, और आप कहीं पे हैंगिंग हो रहा है तो वहां पे आपको पीछे से हैंग लटकाना होगा ताकि आपको बचा सके गिरे तो। फिर आपको कोट भी पहनना होगा, सेफ्टी कोट होता है, उसको पहनना होगा। पांच नंबर देखिए, इन फायर फाइटिंग मेथड स्टरवेशन क्या कहलाता है। देखिए फायर फाइटिंग में हम चार चीज, तीन चीज होती है उसके हम बता देते हैं, वैसे लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन, या पोरिंग वाटर, या इलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, या रिड्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो इसके बारे में ये जो है इलिमिनेशन ऑफ फ्यूल है, और दो और है, देखिए स्टरवेशन जो है फ्यूल को प्रदर्शित करता है, स्टरवेशन में रिमूव ऑफ ब्लैंकेट ऑफ फ्यूल को हटाया जाता है, और देखिए फिर होता है एयर, एयर में स्मूथरिंग होता है, और हीटिंग में कूलिंग, हीट कूलिंग होता है, स्टरवेशन में एक कूलिंग होता है, ये स्टरवेशन बोल रहे हैं। फायर 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 एग्जिस्टेंस है, ये फायर एग्जिस्टेंस का तीन प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें एक होता है फ्यूल, एयर और हीट। तो स्टरवेशन फ्यूल कहलाता है, एयर में स्मूथरिंग होता है, हीट में कूलिंग कहता है। तो कूलिंग में कूलिंग क्या होता है, रिमूविंग हीट, जब कूलिंग की काम हो रहा है तो वहां पे हीट को निकाला आता है, आग से निकालने की कोशिश किया जाता है। ये जब आग लगता है तो उस समय तीन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और नीचे सिक्स देखते हैं, ऑन द जॉब इंजरी एंड इलनेस कॉस्ट मनी टाइम एंड एफर्ट, व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज दिस लॉसेस। देखिए किसी भी इंजरी या बीमारी और उसमें खर्चा होता है, पैसे लगते हैं, बहुत से एफर्ट्स लगते हैं, तो उसके लिए हमें क्या मैनेज करना, क्या उस जो नुकसान हो रहा है उसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या करें कि हमारा जो इंजरीज ना हो, हमें बीमारी ना हो, हमारे पैसे ना खर्च हो इस सब चीजों पे, और नहीं ज्यादा एफर्ट लगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिकल वेज क्या है। तो पहला है आपका, मेक श्योर सेफ्टी इज पार्ट ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, एग्रेसिव क्लेम हैंडलिंग, या गुड इंश्योरेंस कवरेज, या चौथा है इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम। देखिए ये डी जो है कह रहा है कि इफेक्टिव सेफ्टी, हमें सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, और जो हर कंपनी में हर जगह पर एक चीज होता है, एक प्रोग्राम बनाया जाता है, या एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन, या एक तरह का मीटिंग टाइप होता है, आपको सिखाया जाता है उसको, वो एक लॉस कंट्रोल प्रोग्राम की, किसी भी क्षति को बचने के लिए क्या क्या किया जाए इसका सिखाया जाता है ये चीज, तो उसको हम उसमें हमें भाग लेना चाहिए। तो वो है डी नंबर, इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस प्रोग्राम में, लॉस कंट्रोल प्रोग्राम में हमें भाग लेना चाहिए, और हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी का ध्यान नहीं रखें तो हमें इंजरीज, इलनेस, और हमारा खर्चा भी बढ़ेगा, और हमारा नुकसान भी होगा, बॉडी को भी नुकसान हो सकता है, तो इसलिए हमें सेफ्टी को ध्यान रखना। और कहीं कहीं पर भी ये सिखाया जा रहा है कि सेफ्टी के बारे में बचाने की व्यवस्था बताया जा रहा, तो वहां पर हमें जरूर जाना चाहिए। अगर कंपनी में लॉस कंट्रोल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं तो उसमें भाग लेना है, भागना नहीं है उससे। ठीक है, सातवां है ऑक्सीजन, ओजोन लेयर इज मेड ऑफ, मेड अप ऑफ। ओजोन लेयर क्या होता है, तो ओजोन लेयर किससे, कितने लेयर से बना होता है, तो देखिए ये ओजोन लेयर बता दे, तीन ऑटम लेयर से बना होता है, और इसके बारे में बता देते हैं। जैसे देखिए
ये है ओजोन लेयर। पृथ्वी, सूर्य किरणें जब पृथ्वी पर आती है तो ओजोन ओजोन परत एक मिलता है सूरज की किरणें को, तो वही रोकता है पृथ्वी पर आने से। और ओजोन लेयर नहीं रोकेगा तो पृथ्वी पर बहुत सारे विकिरण आके शरीर को, त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कैंसर से भी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। तो ये तीन लेयर्स हैं ओजोन लेयर में, जो तीन एटॉमिक लेयर्स हैं जो ऑक्सीजन में, देखिए ओजोन लेयर में तीन है ऑक्सीजन एटॉम्स लेयर, देख सकते हैं यूवीसी है, फिर यूवीबी है और यूवीए है, ठीक है। आठवां को है जो द रिप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट, वो क्या कहलाता है रिप्रोसेसिंग, किसी भी डिस्कार्ड मतलब कोई ऐसा मटेरियल है जिसको हम फिर से बना के फिर उसको नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको फिर से रिप्रोसेसिंग कर देते हैं, रिसाइकलिंग करके उसको फिर से एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, तो क्या कहलाता है रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल या रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट या रिड्यूसिंग इन यूज ऑफ रॉ मटेरियल। इसका सही आंसर है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। और किसी भी कोई ऐसा मटेरियल है, कोई ऐसा थिंग्स है जिसको हम डिस्कार्ड करते हैं, हटा के उसको रिप्रोसेस फिर से बनाते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं और उसको एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रिसाइकलिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए पेपर हो गया, पेपर को हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, या बुक हो गया, ये कार्टून हो गया, ये पेपर, फिर ग्लास बॉटल्स देख सकते हैं, बॉटल हो गया, ग्लास का बॉटल है, ऐसा बोटल बॉटल्स है तो उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं। मेटल देखिए, इसको हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, इस सबको, या प्लास्टिक का है, या इस मेटल का है, प्लास्टिक बोतल है, ये प्लास्टिक का कंटेनर्स है, प्लास्टिक का डब्बा है, सबको हम क्या कर सकते हैं तो फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। तो इसको फिर से, जैसे बुक है तो उसका उसको चेंज करके उसको या किसी को दे सकते हैं पढ़ने के लिए, या कोई ये कार्टून है तो इसका यूज कुछ और कर सकते हैं, ये सारी चीजें ये रिसाइकल कर सकते हैं। इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसको रिसाइकल करने की कोशिश करें जिससे पर्यावरण को बहुत ही फायदा होगा। और मान लीजिए एक बुक है आपके पास पड़ा हुआ, तो किसी और को दे देते हैं तो फिर बुक अब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़े, और वो नहीं खरीदता है तो कंपनी उतना बुक बनाएगी नहीं सभी के लिए, तो उसके क्या होता है कि एक दूसरे शेयरिंग होते रहता है, तो क्या होता है कि उसको ज्यादा बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, और पेड़ होता है पेड़ को काटना नहीं पड़ेगा ज्यादा, इन सबको ध्यान रखना। मतलब एक छोटी सी आपकी आप एक छोटे से कार्य से देश को, प्रकृति को फायदा दिला सकता है। देखिए नाइन नंबर, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन रिलेशन ऑफ दियर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, इस ऐसा कौन सा पढ़ाई लिविंग थिंग के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो, या तो कौन सा पढ़ाई कहलाता है लिविंग थिंग के बारे में जानकारी हासिल करना और उसके रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ उसका रिलेशन को जोड़ना, ये क्या कहलाता है, कौन सा पढ़ाई कहलाता है। जैसे कि अगर कोई MBBS कर रहा है तो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा है, या जिसमें पेशेंट की देखभाल की जाती है तो MBBS करता है, डॉक्टर की पढ़ाई करता है, कंस्ट्रक्शन लाइन का पढ़ाई कर रहा है तो वो इंजीनियर कहलाता है। तो उस तरह से कोई ऐसा स्टूडेंट है वो लिविंग थिंग की स्टडी करता है, रिलेशन एनवायरनमेंट प्रकृति से रिलेशन का पढ़ाई पढ़ता है तो क्या कहलाता है, तो कहलाता है इकोलॉजी। और जो इसकी पढ़ाई करता है उसको इकोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे कि ये पेशेंट की जांच करना या किसी रोग को ठीक करने की पढ़ाई MBBS करता है तो उसको कहते हैं डॉक्टर। तो जैसे अगर कोई इंजीनियर है और कोई व्यक्ति है जो कंस्ट्रक्शन में काम करना सीख रहा है तो वो बीटेक करने जा रहा है तो जो बीटेक कर रहा है तो उसको हम इंजीनियर कहते हैं। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति है जो पढ़ता है लिविंग थिंग्स इन रिलेशन एनवायरनमेंट या प्रकृति के से लिविंग थिंग के रिलेशन के बारे में पढ़ाई पढ़ रहा है तो इकोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा है, और जो पढ़ाई पढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिस्ट, ठीक है। 10 नंबर देखिए, जैसे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग देख लीजिए, जैसे आदमी हो गया, बच्चा हो गया, चूहा, जानवर या पेड़ पौधे, जो सांस ले सकते हैं, जो ग्रो कर सकते हैं वो कहलाते हैं लिविंग थिंग। और नॉन लिविंग थिंग यही चीज है जो मैन मेड हो सकती है, या जो सांस ना ले, जो ना आगे तक, जैसे प्लास्टिक, छाता हो गया, टोपी हो गया, कार हो गया, ये सब आपका नॉन लिविंग थिंग होता है। द 3 R's टू सेव एनवायरनमेंट, 3 R's क्या है जो प्रकृति को बचाती है, रिजर्व, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिजर्व, रिड्यूस, रिजर्व, रीयूज, रिड्यूस, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ये जो है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ये जो है थ्री आर एस है। तो ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में, आर से पूछा था, आर से क्या होता है तो रिड्यूस, आर से रीयूज और रिसाइकल होता है, ये इसका सिंबल्स है, सिंबल्स याद रख लीजिए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग का।
एक दूसरे चलते रहें, ठीक है। देखिए 11 नंबर, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, देखिए हैजर्ड होता है, आपको क्षति पहुंचाएगा, आपको हानि पहुंचाएगा, आपको नुकसान होगा, ऐसा कौन सा दिक्कत है जो वाइब्रेशन और रेडिएशन के किसके अंदर आता है? क्या केमिकल के अंदर आता है? तो नहीं, केमिकल के अंदर ये नहीं आता है, जैसे कोरोना वोना हुआ ये केमिकल रिएक्शन से हुआ है, या फिजिकल, फिजिकल भी नहीं है, फिर फिजिकल हो सकता है, ये फिजिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, अगर आपको बिजली का शॉक मारता है तो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड कहलाएगा, ये साइकोलॉजी हैजर्ड भी नहीं है। मान लीजिए जैसे आप दिमागी हालत खराब हो जाता है तो उस समय साइकोलॉजिकल हैजर्ड बोलते हैं उसको। तो आपका फिजिकल हैजर्ड के अंदर वाइब्रेशन एंड रेडिएशन आता है, जैसे कि नॉइज बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है, या मशीन मशीन हो रहा है, मशीन चल रहा है तो उससे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या फर्श पे फिसल जाते हैं तो आपको फिजिकल हैजर्ड हो जाता है, प्रोजेक्टाइल्स होता है, या हीटिंग डिवाइस जैसे कोई आयरन है उसको छू देते हैं तो आपका हाथ जल जाता है, वो कहलाते हैं फिजिकल हैजर्ड, स्लिप कर जाता है तो फिजिकल हैजर्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, विच वन इज द मेन इंक्लूडिंग हैजर्ड, ये मैन इंक्लूडिंग मतलब कह सकते हैं कि आदमी के द्वारा कौन सा हैजर्ड है, कौन सा नुकसान हुआ है आदमी के द्वारा। तो देखिए ये आदमी के द्वारा इस तरह घटनाएं घटती है, ये कटाव के कारण कटाव करते हैं, नीचे से कटाव कर देंगे तो मिट्टी भरक जाएगी, तो इधर से गिर जाएगा मिट्टी, और ये जो है प्रकृति है, मैनमेड नहीं है। और ये भी देखिए, और इसमें देखते हैं लैंडस्लाइड है, साइक्लोन है, वोल्केनो, अर्थक्विक, तो अर्थक्विक मैन के द्वारा नहीं आता है, वोल्केनो है, इसको वोल्केनो बोलते हैं, देख सकते हैं वोल्केनो बोलते हैं, साइक्लोन है ये साइक्लोन है, लेकिन लैंडस्लाइड इसको बोलते हैं, लैंड भूमि का खसक जाना, ये है लैंडस्लाइड, तो ये आदमियों के द्वारा होता है, मैन के द्वारा, हमारे द्वारा किया जाता है। 13 नंबर देखिए, 13, विच वन इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ऐसा कौन सा एनर्जी रिसोर्सेज है जिसको फिर से उसको उसका यूज नहीं कर सकते हैं? तो सोलर काम कर सकते हैं, मेथान का कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का कर सकते हैं, लेकिन हम कोयला को हम फिर से रिन्यूअल नहीं कर सकते उसके रिसोर्सेज, अगर हम उस पर खाना बना लिए फिर से उसको खाना नहीं बना पाए, वो खत्म हो जाता है। 14 नंबर देखिए, 14, विच वन इज इन एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क, कार्य करने के लिए कौन सा जो है सही नहीं है? तो ऑयली फ्लोर, अगर आपका फ्लोर जो है मतलब फर्श जो है जिस फर्श से चलते हैं वो उस पर ऑयल गिरा तो क्या आप काम कर सकते हैं? गिरेंगे तो चोट लग जाएगा। गुड लाइट, ये सही बात है, गुड लाइट होना चाहिए, मशीनरी अच्छे से दिखने चाहिए, प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, अच्छे अच्छे टूल्स होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए, ये सही है। एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए, हवादार रूम होना चाहिए जिसमें से हवा निकलते रहे, तो वैसे तो सही है, लेकिन ऑयली फ्लोर नहीं होना चाहिए, और ऑयली फ्लोर होता है तो आदमी गिर सकता है। तो इस तरह से अगर कहीं गिरा भी हुआ है तो इस तरह से बोर्ड लगा देते हैं या पेपर पे लिख वहां साट देंगे कि इधर ऑयल गिरा हुआ है या पानी से गिला हुआ है, कृपया इधर नहीं आए, गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो गिरेंगे तो सारा हड्डी टूट के बराबर हो जाएगा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इज नॉट कंसर्न्ड विद, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी देखना है कौन सा है जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी के लिए नहीं है, तो क्या सेफ्टी है, हेल्थ है, सैलरी और वेलफेयर है, तो इसमें कौन है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी? तो वो है सैलरी, आपको सेफ्टी नहीं दे सकती है, इसके लिए आपको सेफ्टी देना होगा, ऑक्यूपेशनल के सेफ्टी है, हेल्थ है आपका सही होना चाहिए, वेलफेयर है जो आपके ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए है, बाकी ये कंसर्न नहीं करता है सैलरी, ठीक है, ये देख सकते हैं। और 16 नंबर है, विच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा ग्रीन हाउस कैसा गैस है जो जिम्मेदार है? तो क्या हाइड्रोजन है, क्या ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो है कार्बन डाइऑक्साइड आपके रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस का कैसा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये यही जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड, देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से क्या क्या पूरे ग्रीन हाउस में 65% है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड 11% है, मेथान आपका 16% है, और नाइट्रस ऑक्साइड 6 है, और एफ गैसेस जो है 2% है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इर्गोनोमिक हैजर्ड,
तो इर्गोनॉमिक हैजर्ड क्या होता है, तो देखिए यहाँ मान लीजिए ये व्यक्ति बैठा है कंप्यूटर पे, ये बैठने का तरीका सही नहीं है जिसकी वजह से इसका गले में दर्द हो सकता है, यहाँ पे दर्द होगा या पीठ में दर्द हो सकता है, बैठने पर यहाँ पे दर्द होना होगा, फिर आपको उसको घुटने में दिक्कत होगा, फिर नीचे यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए सही तरीका क्या है, एकदम ऐसा कुर्सी अच्छे से होना चाहिए और सीधा एकदम हमें होना चाहिए, और ये भी थोड़ा सही होना चाहिए, इसका व्यू होना चाहिए सही होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा हाथ जो है ये बराबरी पर होना चाहिए, देख सकते हैं ये यहाँ पर एक हमारा हाथ पे रखने वाला होता कि हाथ को भी नुकसान ना पहुंचे, ये हमारा यही हमारा जो कहलाता है, इससे कोई भी इस नुकसान को हम कहते हैं इर्गोनॉमिक हैजर्ड, इससे कोई नुकसान नहीं, इस तरह से बैठते हैं तो इस तरह जितने भी नुकसान होंगे वो इर्गोनॉमिक हैजर्ड कहलाएंगे। तो ऑकवर्ड पोजिशन, तो यही ऑकवर्ड पोजिशन कहलाएगा आपका, और नहीं ये इर्गोनॉमिकल हैजर्ड है, नॉट कर है, विच वन नॉट एन इर्गोनॉमिकल, तो कौन नहीं है, तो पुअर हाउस कीपिंग ये भी है इर्गोनॉमिक हैजर्ड है, और रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी, अगर सही से मशीन नहीं रखा हुआ है तो उससे भी जो हैजर्ड होगा वो इर्गोनॉमिक हैजर्ड होगा, लेकिन इमोशन डिस्टर्बेंस जो है ये इर्गोनॉमिक हैजर्ड नहीं है। 18 नंबर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ 3RS, इन्हें हमने पहले पे देखा था कि 3RS क्या होता है, तो रिड्यूस होता है, रिसाइकल होता है और रीयूज होता है, लेकिन रीजनरेट जो होता है 3RS का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3RS हमने पहले ही डिस्कस किया है, रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल, तो ये है आपका 3RS। उम्मीद है वो सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन होता है डाउटफुल तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और सेफ्टी एक बात ध्यान रखिए, सेफ्टी बहुत ही जरूरी है, आप जहां पर भी अभी फेस मास्क लगाइए या रोड पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगाइए, शूज पहनिए, अगर किसी वर्कशॉप में जा रहे हैं तो हेलमेट पहन के जाइए, आप ग्लव्स लगा जाइए, ये ग्लास गॉगल्स लगा के जाइए, शूज जरूर पहन के जाइए, ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए, उम्मीद है आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट एड का वीडियो मिल जाएगा, फर्स्ट एड देख लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है लेबर वेलफेयर रेगुलेशन का, तो लास्ट होगा वीडियो, तो उसको देखना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिए, देखिए एग्जाम देना है, एग्जाम पास करना है या आपको अच्छी नॉलेज लेनी है, तो ये सभी सातों क्लासेस जरूर ज्वाइन करनी है, मात्र सात ही हैं, इतना इसको नहीं कर सकते तब किसको करेंगे, जल्दी से देखिए सभी को देख के, और मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अनिल सर आईटी चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कुछ ना कुछ बता दीजिए हमें, मिलता है अगले वीडियो में।